गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। क्लास इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव फिनिश्ड चैप्टर सेकेंड एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर थर्ड, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरली आपने ये नाम कंप्यूटर में सुन रखा होगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा डैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन होता है जो कि डेटा रिलेटेड डेटा जो भी होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उससे रिलेटेड डेटा उसमें होते हैं और कंप्यूटर को ये पता होता है उससे कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। इट मीन्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देने होते हैं उससे रिलेटेड डेटा होता है और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को करता है। सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को जनरली हम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन डैट टेल द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हार्डवेयर कैसे परफॉर्म करेंगे इस पर काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटू थ्री मेजर क्लासेस। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर सिस्टम तीन तरीके से डिवाइड है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। इसी की वजह से, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा कंप्यूटर रन करता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स होता है, डिवाइस ड्राइवर इंक्लूड्स होता है, डायग्नोस्टिक टूल्स ऐड होते हैं इसमें, सर्वर, विंडो सिस्टम एंड यूटिलिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम है वो रन करता है। मतलब कि रन करने में इसी वजह से हेल्प मिलती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब इसके बाद आपका आता है BIOS, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम BIOS के नाम से जानते हैं। इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द सिस्टम BIOS, BIOS। द BIOS इज बूट फर्मवेयर, ये एक बूट फर्मवेयर है, अ स्मॉल प्रोग्राम डैट कंट्रोल वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अटैच टू द मेन कंप्यूटर सिस्टम। इसमें स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेन कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन द बी द फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रन बाय कंप्यूटर व्हेन पावर ऑन। जैसे ही हमारे कंप्यूटर का पावर ऑन होता है, इट्स मीन्स जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहला इंस्ट्रक्शन जाता है उसी के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज बूटिंग, और इस प्रोसेस को हम बूटिंग के नाम से जानते हैं, और बूटिंग अप या बूटिंग कहिए या बूटिंग अप के नाम से जानते हैं। BIOS प्रोग्राम्स आर स्टोर ऑन अ चिप एज शोन इन अ फिगर। अब जो BIOS प्रोग्राम है इसमें एक चिप होती है जिसके अंदर सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि एक ये चिप बनी हुई है और इस चिप में ही जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।